आज यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफकोर्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, और इस बुक को हर एक को पढ़ना चाहिए। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज देखने को मिलेगा वो आपकी लाइफ टाइम तक रहेगा, और आपकी लाइफ के अंदर हर मूड के अंदर आपको ये बुक हेल्प करेगी। सो आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये बुक आपको क्या कहना चाहती हैं। सो बात कर लेते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बुक के बारे में। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी? यहाँ पे ऑथर आपको इस बुक के अंदर ये बोलते हैं कि आपको रिजल्ट पे ध्यान देना नहीं चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए प्रोसेस पे। मेरे बात कर लेता हूँ, अगर मेरे इस चैनल के अंदर मुझे सर्टन नंबर नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं उस नंबर पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं ध्यान कहाँ पे दूंगा? मेरे वीडियो की क्वालिटी पे, ऑडियो की क्वालिटी पे, और मैं स्टेबल रहूँगा और डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इवेंचुअली मुझे वो रिजल्ट चाहिए या फिर जो नंबर चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। बट अगर मैंने उस रिजल्ट के बारे में ही सोचा, अगर मैं हर रोज सोचता हूँ कि यार अगर मुझे ये सब्सक्राइबर नहीं मिला, आज 10 नहीं मिले, 20 नहीं मिले, 30 नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा, या फिर मिल गए तो क्या करूँगा, वो सोचूंगा नहीं। अगर मैंने ज़्यादा सोचा रिजल्ट के बारे में देन मैं प्रोसेस को भूल जाऊंगा और डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे माइंड के अंदर वही चलता रहेगा कि यार इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ऐसा हुआ तो क्या करूँगा, तो एट द एंड मुझे क्या मिलेगा, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ऑथर आपको यही बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ के अंदर कोई भी काम करना या फिर कोई भी चीज़ को अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा आपके काम पे, आपके प्रोसेस पे। अगर आपने वो सही तरीके से कर लिया देन इवेंचुअली आपको जो भी चाहिए लाइफ के अंदर, रिजल्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और ये अप्लाई होता है आपकी जॉब के अंदर, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, या फिर बिजनेस के लिए। फोकस ऑन प्रोसेस ना कि रिजल्ट पे। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड मैं आपको एक क्लिप के साथ छोड़ना चाहता हूँ जो होगी महेंद्र सिंह धोनी की एक इंटरव्यू की। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो ऑथर ने इस बुक के अंदर बात की है। सो देख लेना और मुझे बताना क्या कहना है आपका प्रोसेस एंड रिजल्ट के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। माय ओनली सजेशन और एडवाइस वुड बी, व्हिच आई कीप सेइंग इन ऑल द इंटरव्यूज दैट आई गिव, process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, you know, take care of all the small things and eventually you'll get the desired result. You know, we always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that. But it's actually the byproduct of what we have done. So if you prepare well, if we execute well, and you know, if you're honest to ourselves, more often than not we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. So all the best. यहाँ पे दूसरे पॉइंट के बारे में ऑथर ये बोलते हैं आपको कि आपको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे और आपका टाइम ही वेस्ट होगा, और आपकी लाइफ के अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं है। कितना ही टाइम यार, 24 आवर्स आते हैं दिन के अंदर, और इसके अंदर भी आपने कुछ टीवी शो देख लिए, कुछ गेम प्ले कर लिए, या फिर आप फ्रेंड के साथ बाहर घूमने चले गए, या फिर गप्पे लगा दिए, या फिर टिकटॉक तो नहीं है बट इंस्टाग्राम रील्स के अंदर आपने कुछ वीडियोस देख लिए और घंटे चले जाते हैं, और एट द एंड डे के एंड के अंदर आपको सोचते हैं कि यार मुझे वो काम करना था बट मैं कर नहीं पाया। बट आप सोचते नहीं हैं कि मैं कर क्यों नहीं पाया, किन चीज़ों की वजह से मैं वो काम नहीं कर पाया। सो ऑथर आपको यही बोलना चाहते हैं कि डोंट गिव टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। वाई? बिकॉज ऑफ वो आपके लाइफ के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करेगी, और जब साल या फिर 2 साल चले जाएंगे तो आप सोचेंगे बाद में कि यार अगर मैंने वो टाइम के अंदर ये कर लिया होता तो अच्छा होता। सोचो कि यार आपको आपके लाइफ के अंदर क्या चाहिए, या फिर डे के अंदर आपको कौन से टास्क ख़त्म करने हैं, कौन से नहीं करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टास्क ख़त्म करने हैं वो कर लो, उसके बाद टाइम बचता है देन टीवी शो देख लो, गेम प्ले कर लो, या फिर बाहर घूमने चले जाओ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है वही कर लो, ना कि कुछ टीवी शो देख लिए, मूवीज़ देख लिए, ऐसा मत करो, वरना टाइम वेस्ट होगा। और आपको पता होगा टाइम काफ़ी कम है हर एक के पास, बट सबको पता नहीं होता है कि टाइम कम है। जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को भी जॉब को करने में बिता देते हैं, और जब आपकी उम्र होती है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, तब आप सोचते थे कि यार अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो होता तो अच्छा होता, अगर मैंने ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर ली होती तो अच्छा होता, अगर मैंने कुछ दूसरा कर लिया होता तो अच्छा होता। और तब आप अपने बच्चों को या फिर किसी और को एडवाइस देते हैं कि यार जॉब मत करो, अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर एक ही चीज़ पे स्टिक करके मत रहो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
पेपर के अंदर लिख लो या फिर माइंड के अंदर ही बोल दो अपने आप को कि यार मैं जो अभी कर रहा हूँ क्या वो मेरी लाइफ के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करेगा या फिर वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अगर आंसर यस है देन गो फॉर इट, कर सकते हैं। बट आंसर नो है या फिर कुछ हिचकिचाहट है कि यार है या फिर नहीं है, देन उसको इमीजिएटली अभी के अभी ड्रॉप कर दो और दूसरा कुछ काम पकड़ लो। बिकॉज आगे जाके आपको लगना नहीं चाहिए कि यार वो मैंने छोड़ दिया होता तो अच्छा होता, अगर मैंने वो किया होता तो अच्छा होता। सो ऑथर आपको यही बोलते हैं, सो डिसाइड कर लेना, मुझे बताना कि यार इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है आपकी लाइफ के अंदर और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, येट आप वो चीज़ कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग बोलेंगे, बट बताना कमेंट सेक्शन के अंदर और मैं भी बताऊंगा। अगर कुछ लोगों ने बताया तो हम भी बताएंगे कि यार हमको कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है और हम स्टिल कर रहे हैं। आई मीन चीज़ और यहाँ पर ऑथर आपको ये भी बोलते हैं कि आपको फोकस करना चाहिए कोई भी एक चीज़ पे। अगर आपको राइटिंग का प्रोफेशन को परस्यू करना है तो आपको राइटिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपको वीडियो क्रिएशन में जाना है तो आपको वीडियो पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि कोई भी दूसरी चीज़ करनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यार ये हर एक लिए सही नहीं होगा या फिर हर एक के लिए अच्छा नहीं बैठेगा। मेरी बात करो तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। और अगर कोई वेबसाइट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे अप्रोच करती है उनकी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखने के लिए, तो मैं उनको भी आर्टिकल लिख के देता हूँ। सो मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ और वो मेरे लिए अच्छा है, मुझे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज मुझे पता है कि यार मुझे कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करनी है। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता, देन मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कोई भी चीज़ के अंदर मास्टर नहीं कर पाएंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड कर लो कि यार मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद है, राइटिंग पसंद है, वीडियो क्रिएशन पसंद है, या फिर आपको जॉब ही करनी है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर प्रिपरेशन करना है, तो आपका पूरा का पूरा अटेंशन वहाँ पर ही होना चाहिए, आपका माइंड दूसरी कुछ चीज़ों पर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। सो ऑथर आपको यही बोलता है कि फोकस ऑन वन थिंग और इसके अंदर आप मास्टर कर लो, इवेंचुअली आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट ये चीज़ हर एक इंसान के लिए लागू नहीं होती है ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज ऑफ अगर वो चीज़ के बारे में आप सर्टन नहीं है कि यार मैं करूँ या फिर ना करूँ, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करूँ, और अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं रही, अगर अच्छी नहीं गई और वो काम सही तरीके से नहीं चला, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट ले जाओगे। सो बैकअप रखना सही है तब जब आपको लगता है कि यार ये मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डाउट है, देन सेकंड चीज़ रख सकते हैं। बट आप पूरी की पूरी तरह कॉन्फिडेंस से कि यार मुझे यूट्यूब करना ही है, मैं इसको कर ही लूँगा, इसके अंदर मैं फेल नहीं होऊंगा, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यार मैं किसी न किसी वजह से यूट्यूब के अंदर सक्सेस कर ही लूँगा, देन आप यूट्यूब को ही कर सकते हैं, वेबसाइट को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात करो तो मुझे वेबसाइट एंड यूट्यूब दोनों ही पसंद है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यार मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं है या फिर वेबसाइट पे भरोसा नहीं है या फिर किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे करना पसंद है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। मैंने ट्राई किया है काफ़ी साल तक और मुझे लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई मैं काफ़ी सारी चीज़ें साथ में कर रहा हूँ। बट आपका अलग हो सकता है, एक चीज़ एक साथ करना है या फिर तीन चार चीज़ एक साथ करना है, डिसाइड कर लेना। एंड ऑफकोर्स ऑथर आपको ये भी बोलते हैं इस बुक के अंदर कि यार लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में या फिर आपके काम के बारे में, उसके बारे में मत सोचो, आप सोचो आपके काम के बारे में, अपने आप के बारे में कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यही सोचो कि यार एक्स बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वाई बंदा बोल क्या रहा है, उसको कंबाइंड मत करो, उसको मिक्स मत करो अपने माइंड के अंदर कि यार ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, अगर ये बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, मैं क्या करूँगा, मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। आपको पता है कि यार आप अपने लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो आपके लाइफ के अंदर या फिर आपके लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए। अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जियो, ना कि दूसरों की वजह से या फिर दूसरों की कहने की वजह से, या इफेक्ट मत होने दो कि यार इसकी वजह से ऐसा कर रहा हो या फिर इसकी वजह से ऐसा करो, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो लाइफ सही नहीं जाएगी और एट द एंड क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से कि यार ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता।
सो यही 3 पॉइंट थे जो मुझे लगा था कि यार आपको पता होने चाहिए अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो, अगर आपको नहीं भी पढ़ना है एंड अगर आपने वो 3 पॉइंट समझ लिए देन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो यही था इस बुक के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो एंड मुझे बताना कि यार आप इस बुक को पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे और अगर आपने पढ़ी है तो आपका क्या कहना है इस बुक के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑफ कोर्स हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक करके जाना और उसके साथ साथ कमेंट करना कि यार आपने डिसलाइक क्यों किया, पसंद क्यों नहीं आया, पसंद आया तो क्यों आया। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्यों नहीं करोगे, फ्री के अंदर है, सिर्फ टैप करना पड़ता है, दैट्स इट, वीडियो आ जाएगा आपके टाइमलाइन पे, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑफ कोर्स गिव अवे चल रहा है, पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हैं बट 1 जून तक गिव अवे चल रहा है 5 बुक्स का। सो अगर आपको फ्री के अंदर बुक्स चाहिए तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं, मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं कैसे एंटर करना है वो सब कुछ। सो फॉलो कर लेना मुझे टेलीग्राम पे, बिकॉज अब रिजल्ट वहाँ पे भी आएगा। सो या इतना ही था, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सलाह है, सुझाव है, जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एज ऑलवेज एंड मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड इस बुक को पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन के अंदर, बाय कर सकते हैं, हार्ड कवर के अंदर बाय करना, काफ़ी सस्ती है, महंगी नहीं है, काफ़ी कुछ सीखेंगे और वैल्यू ऐड करेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद अगर सही तरीके से अप्लाई किया तो।